यही है सलमान सर का घर, ये है शाहरुख सर का घर मन्नत। सो गाइस यही है अमिताभ बच्चन सर का घर। अक्षय जी का घर आने से पहले यहाँ पर जो है आलिया भट्ट का घर मिल गया, सैंड बीच। यही अक्षय कुमार सर का घर। गाइस यहाँ पर अंदर जो है शूटिंग चालू है अभी सोनू सूद सर का, अब तो सोनू सूद को जानते ही होंगे। यह है सनी विला, सनी देवल जी का ऑफिस है इधर में। गाइस ये घर है श्रद्धा कपूर जी का। सो गाइस ये है शिल्पा शेट्टी का घर, और घर का नाम है तो ए बोजी में, जहाँ पर ज़्यादातर सेलिब्रिटी आते हैं आई थिंक फिटनेस। ये डैनी जी का घर है। सो ये है अंगिशपुरी जी का घर। ये है धर्मेंद्र सर का घर। ये है अजय देवगन का घर। ये है रानी मुखर्जी का घर। ये है यशराज जी का घर। सो गाइस ये है रोहित शेट्टी जी का घर। गाइस ये है रामायण अर्जुन कपूर जी का घर। सो गाइस ये है अनिल कपूर जी का घर, और अनिल कपूर सर पीछे खड़े हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो गाइस कल जो है मैं आपको शिखर से रात में घुमा नहीं पाया था, तो आज फिर से हाजिर हूँ। फिलहाल मैं हूँ बैंड्रा वेस्ट पे, तो यहाँ से मुझे जाना है पहले मरीन ड्राइव, देन उसके बाद निकलना है। A few moments later. So guys, आप मुंबई में कहाँ पे रहते हो इट डजंट मैटर, बस आपको कहीं से भी बैंड्रा वेस्ट तक आ जाना है। तो बैंड्रा वेस्ट के बाहर आप जब आओगे तो लेफ्ट साइड में एक सर्कल मिलेगा, उस सर्कल से आपको जस्ट ओनली फाइव रुपीज़ में आपको वहाँ से गैलेक्सी अपार्टमेंट तक लेके आ जाएगा, या फिर महबूब स्टूडियो बोलो तो आपको उधर से लेके आ जाएगा। ये देखिए सलमान का घर भी आ गया है इधर में। तो ऑलमोस्ट जितने भी फिल्म स्टार है सबके घर इधर में आसपास से बाजू में मिल जाएंगे। ए गैलेक्सी अपार्टमेंट। यही है सलमान सर का घर। संडे को जो है सलमान सर कभी कभी आते हैं ऊपर। सो सलमान भाई का घर का ठीक ऑपोजिट साइड में आपको कैसा कुछ नज़ारा मिल जाएगा। गाइस गैलेक्सी अपार्टमेंट से थोड़ी ही दूर में आपको ए सर का घर भी मिल जाएगा, यानी कि शाहरुख खान का, और उसका घर का नाम है मन्नत, और वही भी आपको लेके जा रहा होगा। चलिए फिलहाल आप यहाँ की जो नज़ारा है उसका मंजर लीजिए। चलते चलते बात करते करते पहुंच गए हैं पर मन्नत तक। ओ माय गॉड, सुबह सुबह फैंस लोगों का भीड़ यहाँ पर जमा हुआ है। सुबह सुबह मन्नत को देखने के लिए सब लोग हाजिर हो गए इधर। ये है शाहरुख सर का घर मन्नत। आप अगर YouTube में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि एसआर के कभी कभी इधर आते हैं फैंस के लिए। फैंस को इधर से ही वो हाथ दिखाते हैं। सो गाइस ये था एसआर का घर, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। One hour later. सो गाइस बहुत दूर चलने के बाद और कुछ बसेस चेंज करने के बाद फाइनली मैं पहुंच गया हूं अभी अमिताभ बच्चन सर के घर के सामने। देखिए उनका घर का सामने भी फैंस का भीड़ लगा हुआ है, जैसे कि एस आर के घर का सामने लगा हुआ था या फिर सलमान भाई के सामने, तो वैसे ही है। सो गाइस यही है अमिताभ बच्चन सर का घर। सामने मना है
में पानी का एक रखा हुआ है। सो अमिताभ बच्चन सर से तो मिल नहीं पाएंगे, लेकिन उनका घर का सामने का पानी तो पी सकते हैं जो उन्होंने हम लोगों के लिए रखा है यहाँ पे। सो फैंस का वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी फैंस का वीर है। इनका घर का दो हिस्सा है, एक है सामने वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं जलसा, और एक पीछे वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं मनसा। और मनसा में जो है उनका गार्डन है, और जलसा में उनका घर का फ्रंट साइड में। अमिताभ बच्चन सर का घर का सामने का पानी भी हम लोग पी लिए अभी, और उन्होंने जो है हम लोगों के लिए रखा है जो रास्ते से जाते आते हैं उनको अगर प्यास लगे तो पानी पीने के लिए। तो थैंक यू अमिताभ सर। अमिताभ बच्चन सर का घर का सामने ही जो है अक्षय कुमार का भी घर है, तो अभी अक्षय कुमार जी का घर का सामने जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी का घर का सामने जो पहला आपको स्टॉपेज मिलेगा ट्रैफिक सिग्नल, वो छोड़ के आपको दूसरा सिग्नल में आना है, फिर वहाँ से राइट राइट लेना है आपको, तो ऐसा आपको होटल वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस, अक्षय जी का घर आने से पहले यहाँ पर जो है आलिया भट्ट का घर मिल गया, जो सेकंड माले पे रहते हैं शायद, ठीक है पीछे। ये है बैंड्रा इस्कॉन टेम्पल और हमने जाना है लेफ्ट अभी। सो गाइस, सामने ही है अक्षय कुमार जी का घर और एकदम बीच फ्रंट घर है, घर का सामने ही बीच है। तो ये सिर्फ अक्षय कुमार जी का घर नहीं है, सेकंड फ्लोर में जो ऋतिक रोशन भी रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर में अक्षय सर रहते हैं, ठीक है। तो गार्ड से बात करते हैं। अरे अक्षय सर का घर है ना, सही है अक्षय कुमार सर का घर। इतना भी फिल्म स्टार है, सबका बीच फ्रंट ही घूम रहा है, ऐसा ही देख सकते हैं आप इधर में। इधर से बीच एक्सेस है ना, तो उनका घर का लोकेशन है प्लैंग बीच। तो घर का सामने उनका बीच है, बीच एक्सेस घर है, तो चलिए बीच में थोड़ा घूम के आते हैं। तो जब भी अक्षय सर विंडो अपना ओपन करते हैं और सामने उनका बीच नज़र आता है, कुछ ऐसा नज़ारा है सब देख सकते हो। तो गाइस, यही जो है जू बीच है, जू बीच एक्चुअली है उस तरफ, लेकिन जू बीच उस तरफ से जो है चलते चलते आप इस तरफ आ सकते हो, और बीच का सामने ही उनका जो है घर है, वो रहा अक्षय सर का घर। देखिए उनका घर कैसे सजा हुआ है, और नीचे जो है उनका जिम है। तो मैं घर का अंदर तो नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का अगर एक्सेस होगा तो आप लोग ज़रूर जाना। तो फिलहाल सामने है बीच, अक्षय कुमार जी जी। कैमरा रखा, अच्छा मोबाइल में अच्छा तो होएगा ना भाई, 5K कैमरा है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैमरा है। सो ये है अक्षय कुमार सर का घर का सामने वाला बीच, और इतना धूप है, लेकिन धूप का कोई किसी के ऊपर असर नहीं है, सब अपने तरफ से इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं अभी धर्मेंद्र सर का घर का तरफ। गाइस, यहाँ पर अंदर जो शूटिंग चालू है अभी सोनू सूद सर का, अब तो सोनू सूद को जानते होंगे, तो उनका स्टूडियो है ना? नहीं स्टूडियो नहीं, घर है उनका। अच्छा अच्छा, ये जो है ये सोनू सूद का घर है पीछे जो आप देख रहे हो, और अभी अंदर में शूटिंग चालू है, लेकिन हम लोग शूटिंग में जा नहीं सकते क्योंकि परमिशन नहीं है। तो कौन सा फिल्म का है शूटिंग है? फाइट ना, फाइट मूवी का सर शूटिंग हो रहा है, चलिए हम लोग चलते हैं। कौन सा आगे वाला? सनी देओल। अच्छा, ये है सनी भीला, सनी देओल जी का ऑफिस है इधर में, स्टूडियो बोल सकते हैं आप, उनका स्टूडियो है अंदर में। जूम नहीं होता
सनी देओल का फोटो भी तो लगा इधर में धर्मेंद्र और धर्मेंद्र सर का आप देख सकते हो, धर्मेंद्र सर का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। तो चलते पाम बीच के अच्छा ये वाला पाम प्लान बीच। सो गाइस ये घर है श्रद्धा कपूर जी का और शक्ति कपूर जी, श्रद्धा कपूर सब एक साथ ही रहते हैं यहाँ पे इस घर पे। घर का नाम है पाम बीच। सोनू सूद जी का घर और स्टूडियो का अपोजिट साइड का ये रोड है जहाँ पर शिल्पा शेट्टी का घर और आपको श्रद्धा कपूर जी का घर मिल जाएगा। तो ये जो घर है एक क्या नाम है घर का, किनाड़ा ना, अच्छा घर बनाया। तो सो गाइस ये है शिल्पा शेट्टी का घर और घर का नाम है किनाड़ा। बहुत ही अच्छा घर है आप देख सकते हो पीछे, ये बड़ा वाला वही है ना, ये टोटल घर उनका है ना पूरा बड़ा घर बनाया यार। तो यहाँ पर जो है राजकुंद्रा और शिल्पा जी एक साथ में रहते हैं यहाँ पे और उनका शायद घर का अंदर से निकला है गाड़ी। सो गाइस चलते हैं अभी क्योंकि शिल्पा जी जो है अभी अभी फिलहाल अंदर गई है कुछ देर पहले, तो मिलने का किस्मत नहीं था तो मिल नहीं पाए। तो चलते हैं अभी। फैंस लोग बहुत आए हैं मिलने के लिए। तो ये भी ऐसे धर्मेंद्र सर का घर पे। सो ये घर है राजेश खन्ना जी का। सो डिंपल जी का साथ यहाँ रहते थे। सो गाइस ये पीछे जो आप देख रहे हो ये है राजेश खन्ना जी का घर। ये है आई थिंक फिटनेस जिसमें कार्तिक आर्यन यहाँ पर आते जिम वगैरह करने के लिए। तो ये वो जिम है जहाँ पर ज़्यादातर सेलिब्रिटी आते हैं आई थिंक फिटनेस। ये वाला जो घर है ये भी ऋतिक रोशन का घर है, वो पहले ये वाला पहले वाला घर है जो पहले ऋतिक रोशन रहता था और ऋतिक रोशन सर का। प्लाजो 53 अच्छा घर ये वाला। ये कौन आ गया भाई। सो गाइस यही है डैनी जी का घर, डैनी जंगीरा। ये डैनी जी का घर है और यहाँ पर डैनी जी उनके फैमिली के साथ रहते हैं ना। चलिए तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अमरीशपुरी जी का घर। फिलहाल वो तो है नहीं इस दुनिया में, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो उनका लड़का जो है इस घर पे रहते हैं। जय हिंद सोसाइटी। ये इंट्रेंस गेट है उसका अंदर जाने वाला। सो ये है अमरीशपुरी जी का घर। क्या मस्त बनाया। सिर्फ फिल्म स्टार का ही नहीं यहाँ पर बिजनेसमैन लोगों का भी घर एक से बढ़कर एक है। धर्मेंद्र सर का घर आ गया। सो गाइस चलते चलते धर्मेंद्र सर का घर तक आ गए हैं अभी। सो गाइस फाइनली ये है धर्मेंद्र सर का घर और इधर में सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल और सब फैमिली एक साथ ही रहते हैं। बन रहा है रात को 12 बजे क्या पे घर अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है फिलहाल अभी इधर। धर्मेंद्र सर तो अभी इधर है नहीं। तो धर्मेंद्र सर का ठीक में अपोजिट साइड में है अजय देवगन का घर। सो गाइस ये है अजय देवगन का घर।
ये है अजय देवगन सर का घर। लिखा था ना एस्टेल लिख दिया एस्टेल है। कोई है नहीं शायद घर पे। बच्चन सर का घर का सामने अच्छा लगाया, पानी पीने का वो वाला वो सबके लिए लगाया अच्छा लगा। हर एक घर में उसके पानी पीने का इधर बाजू में। हाँ जलसा का बीच में जो मनसा है वो सब उसी का जलसा मनसा। और पांच घर है बहुत बड़ा ये सब पूरा लाइन से उसका घर है। अच्छा बहुत उसका पाँच छः लाइन से ये वाला है उसी का पूरा इतना है ना वो रोड से लेके रोड तक पूरा इधर उसी का पूरा बंगला भीले पार्ले। ये है जू चौपाटी। तो गाइस ये जो है ये भी अजय देवगन सर का घर है, नया बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी। कैसे बनवा रहा था ना बताना बता रहा था ऊपर चलते कौन अजय देवगन लोग समझे तो कभी कभार आते हैं सब इधर में ऊपर से हाथ बात दिखाते हैं। फिरोज खान मार्ग लिखा है वो भी हीरो है। हाँ बहुत बड़ा हीरो है। आप लोगों का टाइम का हीरो है फिरोज खान। कौन फिरोज खान सभी सभी। ये है रानी मुखर्जी का घर। अरे यशराज का घर है ये यशराज। वो जो यशराज फिल्म लिखा है रानी मुखर्जी। ये है यशराज जी का घर। आदि जुजरा ही लिखा है। आदि जुजरा मतलब रोहित रोहित शेट्टी जी का घर। और ऊपर आप देख सकते हो पिक्चर में भी होता है ना। सो गाइस रामायण ना शत्रु। और ये है शत्रुघ्न सिन्हा जी का घर जो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर रहते हैं। सोनाक्षी सिन्हा और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स है सब यहाँ पर एक साथ ही रहते हैं। और ये अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा है आप देख सकते हो। और डिज़ाइन भी मुझे खासकर बहुत पसंद आया इसका। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के घर की तरफ। चलिए ये है अर्जुन कपूर जी का घर। अर्जुन कपूर है ना तो बराबर जो गुंडे में अभी था ना जाने वाला। सो गाइस ये है अर्जुन कपूर का घर और पीछे फैंस लोगों का भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। उनका गाड़ी में दिखा दो आपको। ये है अर्जुन कपूर जी का गाड़ी। अनिल कपूर का सगा भतीजा है अर्जुन कपूर। पीछे आप देख सकते हो जिनका घर है। मैं तो मेरा कैमरामैन भी नहीं आ रहा है इतना बड़ा इतना लंबा उनका घर है। किसी अदानी बोल के किसी का घर अदानी बोल रिलायंस अडानी का घर पीछे है। इतना इतना ऊंचा बिल्डिंग है उनका कि मेरा कैमरा भी नहीं आ रहा है। गोपरों भी छोटो भर रहा है उसके लिए ठीक है। सो गाइस ये है अनिल कपूर जी का घर और पूरा ग्रीनरी घर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर वाले जो फर्स्ट फ्लोर में कितना सारा पेड़ है। पेड़ अच्छा लगा है घर में। ये इसका घर अनिल कपूर जी का सामने के तो देखा से पीछे आप देख सकते हो उनका गाड़ी वगैरह खराब है। और ऊपर में कोई है तो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। अनिल कपूर जो लोग एजेड लोग हैं उन लोगों के लिए अनिल कपूर जी फेमस एक्टर है आप लोगों को पता ही है। अरे वो तो भेजेंगे ना गाइस अभी अनिल कपूर सर आ रहे हैं और उनको देखने के लिए सब भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर पब्लिक का। क्या बोलते भाई लोग ओ मेरी जान आने वाले हैं भाई आने ठीक भाई साहब इधर देखे इधर से इधर इधर सो गाइस अभी अनिल कपूर सर बाहर आ रहे हैं तो सब में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। देखिए ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आया ना।
यो मजा से देख रहे सब है भाई लोग उनका वीडियो लोग सर 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 अनिल कपूर सर पीछे खड़े हैं सर अच्छा लगा थैंक यू थैंक यू इसके लिए चड्डा पहन के आए ना हाँ तो यहीं पे अनिल कपूर सर आए हैं हम रास्ते से जा रहे थे तो यहाँ पर ये अनिल कपूर सर का गाड़ी मिल गया क्या मस्त गाड़ी है यार बैडमिंटन खेलने को आया था इधर में सर अब चलो है क्या सर सर फोटो सर ये जितेंद्र सर का घर है क्या तीसना सो गाइस ये है जितेंद्र सर का घर और तो आज का वीडियो के लिए जितेंद्र सर का घर में आके मैं एंड करता हूँ और टाइम नहीं है गाइस नहीं तो और जगह घुमाता आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर घुमाएंगे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए यहाँ पर फिलहाल है जितेंद्र सर तुषार कपूर और एकता कपूर मैम रहते हैं इधर में अपार्टमेंट का नाम है कृष्णा टू यह कृष्णा टू और यही पे आज का ब्लॉग को जो है एंड करते हैं।